वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि पिटोट ट्यूब क्या होता है। तो पिटोट ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लूड का फ्लो को मेज़र करता है, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी को मेज़र करता है या रेट ऑफ फ्लो विच मीन्स डिस्चार्ज को ही मेज़र करता है, ठीक है। आपका जो वाटर है या कोई भी फ्लूड है वो कितने रफ्तार से बह रहा है, अगर हमें पता करना है तो हमें पिटोट ट्यूब का यूज़ करना होगा, ठीक है। अब पिटोट ट्यूब कैसा होता है वो आप फिगर पे देख सकते हैं। यह है हमारा पिटोट ट्यूब। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का ये एक पाइप होता है, 90 डिग्री का एक पाइप होता है। इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज़ होता है सबमरीन्स में, ठीक है। तो सबमरीन्स में आप पानी के नीचे रहते हो, ठीक है, आप वाटर लेवल के बहुत नीचे रहते हो, तो आप कैसे पता करोगे कि आप कितने स्पीड से जा रहे हो, क्योंकि आपके पास रेफरेंस के तौर पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हम पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ये पिटोट ट्यूब 90 डिग्री का एक ट्यूब होता है जो कि निकला हुआ रहता है। अब इस पे स्पीड को हम मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें जहाँ पर की भी स्पीड को मेज़र करना रहता है फ्लूड का, हमें जिस भी पोर्शन का स्पीड को हमें मेज़र करना होता है, हम वहाँ पर इस 90 डिग्री के ट्यूब को डुबा देते हैं, आधा डुबा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो वाटर का जो फ्लो है वो जब इस पाइप के अंदर आता है हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो वो एक सर्टेन हाइट तक के ऊपर उठता है, ठीक है। और ये जो वाइट कलर का लाइन है यहाँ पर, मैं एक रेड कलर का एक सिंबल बना रहा हूँ, इसका मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है यहाँ से, ठीक है। मतलब कि आपका वाटर का लेवल सिर्फ यहाँ तक के है, और इस सिंबल का ये मतलब होता है कि यहाँ पर से आपका एयर स्टार्ट है, मतलब ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, ठीक है, इस सिंबल का ये मतलब होता है। तो बेसिकली इसमें फ्लूड का फ्लो को मेज़र कैसे करते हैं, जब आपका वाटर इस पाइप में एंटर करता है तो एंटर करने के बाद वो ऊपर जाता है और एक हाइट ट्रेवल करता है, ठीक है। अब इस हाइट के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसका फ्लो रेट कितना था। मतलब जिन्होंने इसका रिलेशन को शो किया है, उन्होंने इस पर्टिकुलर एच हाइट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन को शो किया है डायरेक्टली, ठीक है। तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारा पिटोट ट्यूब में, ये एच की हाइट भी उतनी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। वेलोसिटी अगर कम होगी तो पिटोट ट्यूब में एच की हाइट भी हमारी कम होगी, ठीक है। तो पिटोट ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पिटोट ट्यूब का फॉर्मूला होता है, पिटोट ट्यूब का फॉर्मूला होता है वी वी एक्चुअल इक्वल टू वी एक्चुअल इक्वल टू वी एक्चुअल इक्वल टू सी वी सी वी रूट टू जी एच, ठीक है। ये वी ए वी एक्चुअल को शो कर रहा है, ठीक है। वी एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है। हमारे पास वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, एक है एक्चुअल वेलोसिटी और एक है थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी आप किसे कहोगे, एक्चुअल वेलोसिटी आप उसे कहोगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में उस फ्लूड की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर केस में कितनी मानी जाती है, ठीक है। और थ्योरेटिकल वेलोसिटी आप उसे कहोगे जो आप मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, जिसे आप एक्यूरेट नहीं कर सकते, वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तो अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, एक्चुअल वेलोसिटी इक्वल टू सी वी सी वी इंटू रूट टू जी एच, जहाँ पर सी वी है आपका कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी। और ये जो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी है ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। कुछ केसेस में 0.9 होगा, कुछ केसेस में सी वी की वैल्यू 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, पर हमेशा 1 से कम रहेगी, ठीक है। और जो ये √2gh वाला टर्म है ये है आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी, मतलब ये √2gh वाला जो टर्म है, मैं इसे अलग से अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसे VT लिख सकता हूँ, और VT का मतलब होगा थ्योरेटिकल वेलोसिटी। और
2gh, vt इक्वल टू 2gh हुआ, ठीक है, रूट 2gh हुआ vt इक्वल टू, तो जी क्या है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है, जिसका यूनिट है, जिस ग्रेविटी का यूनिट है यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो h है आपकी हाइट है, विच कैन बी इन मीटर, ठीक है, विच कैन बी इन मीटर। तो ये है आपका थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी में अगर आप कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई अगर आप कर दें, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी की, जो प्रैक्टिकल में आपका होता है। तो यह है आपका पिटोट ट्यूब, और इसका जो जनरल एप्लीकेशन है वो आप सबमरीन में इसका यूज़ करते हैं, सबमरीन में फ्लो को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।